ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। कहानी का शीर्षक है धैर्य हर लक्ष्य प्राप्ति में सफलता सुनिश्चित करता है। अपनी सेना से बिछुड़कर शिवाजी एक ऐसी स्थान पर जा पहुंचा जहां दूर दूर तक आबादी दिखाई न देती थी। कुछ अंधेरा हो चला था, तभी कुछ दूर पर उन्होंने दीपक का मंद प्रकाश देखा। वे उधर गए और एक झोपड़ी के सम्मुख आ खड़े हुए। एक बुढ़िया बाहर आई और उन अभ्यागत को झोपड़ी के अंदर ले गई। शिवाजी थके होने के कारण के साथ साथ भूखे भी थे। बुढ़िया ने यह अनुभव कर लिया। उसने हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी दिया और बैठने के लिए चटाई बिछा दी। शिवाजी हाथ मुंह धोकर आराम से बैठ गए। कुछ ही समय पश्चात बुढ़िया ने एक थाली में गर्म गर्म खिचड़ी परोसकर उनके सम्मुख रख दी। शिवाजी असहनीय रूप से भूखे थे, तुरंत खिचड़ी का बड़ा सा ग्रास मुख में भरा। तभी ओ माँ कहते हुए हाथ झटकने लगे। खिचड़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी। बुढ़िया ने देखा तो बोली, तू भी शिवा जैसे स्वभाव का मालूम होता है। शिवाजी ने पूछा, माता तूने शिवा से मेरी तुलना किस आधार पर की? बुढ़िया बोली, जिस प्रकार शिवा आसपास के छोटे छोटे किले न जीत कर बड़े बड़े किले जीतने की उतावली करता है, उसी प्रकार तूने भी किनारे किनारे की ठंडी खिचड़ी को खाना शुरू न करके बीच में से बड़ा कौर भरकर हाथ जला लिया। बेटा, उतावली से काम नहीं बनता है बल्कि बिगड़ता है। मनुष्य की उन्नति के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उतावली के साथ बड़े बड़े कदम उठाकर कोई बड़ा लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। जिस दिन शिवा छोटे छोटे किलों से अपना विजय अभियान शुरू करेगा, उसी दिन से उसे पीछे भी हटने की कभी आवश्यकता न पड़ेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वह अपने मनोनीत लक्ष्य को प्राप्त करेगा। शिवाजी ने बुढ़िया की सीख गांठ बांध ली, जिसके फलस्वरूप उन्होंने इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। मित्रों, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उतावला न होकर जो धैर्यवान व्यक्ति दृढ़तापूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वे अवश्य सफल होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति छलांग लगाकर जल्दी ही लक्ष्य प्राप्त करने की जल्दबाजी करता है, वे हमेशा असफल रहकर उपहास के पात्र बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।